पैसे लैन दिया वे कपनान लगे ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਹਰ ਹੱਥ ਪਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਮਦੀਨੇ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਬ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹ ਹੈ ਇਹ अगर कोई बाहर से भी चक्कर भी लगा के है ना बाजी होनी भाभी मेरी तो घर आया हम लोग जा रहे हैं तो पापा ने फिर उनको गाना चलाई और साथ लगाई उसे फिर चली हाँ ये मजा आता है ना सबके साथ अकेले जाने में इतना मजा नहीं आता कई कहने ना सिर्फ कल ही रही है तो इकले रह के की फायदा कुछ भी नहीं पुत्र बड़ी इकले ही रह जाते हैं फिर ना ना कोई यार यारी दोस्ती होती है ना कोई इस तरह कोई गलबात होती है ना दी दुनिया में बच्चा इकले रहना मेरा वो पहला ट्रिप था अमेरिका मुझे अभी तक सारी चीजें याद है अब घुमाया भी बहुत भी आ रही है घोड़े में बैठे किरण का दुपट्टा मेरा दुपट्टा गिर गया था घोड़े वाले का मैंने कहा ओए मेरा दुपट्टा गिर गया अच्छा उसको मैंने अब पठान था ना मैंने कहा घोड़ा चोट में दुपट्टा लग गया तो यार ये मतलब एक फनी भी है उस गाने पर चला गया हां ये खुद चला रही है थोड़ा दुपट्टा लेने लेकिन वो रेशमी दुपट्टा था ना व्हाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक बच गई है ऐसे
फाइनली हम लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब वो जगह कौन सी है, आज हम लोग गए थे, मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई थी ताइफ। ताइफ हम लोग जिगजैग रोड से नहीं थे गए, स्ट्रेट रोड से गए थे। ये वो वाला रोड है जहाँ से ट्रक और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना वो इस रोड से जाती है, क्योंकि ताइफ वो जिगजैग रोड से तो नहीं ना सारा सामान वगैरह भी लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता, इसलिए उसके दो रोड हैं, एक स्ट्रेट वाला जो अभी आपने देखा और एक वो जिगजैग वाला। अभी हम लोग वापसी उसी से ही आएंगे, वो रोड बंद था क्योंकि आपने देखा रास्ते में बारिश का जो ना वेदर बना हुआ था। ये ताइफ की एक ही बड़ी टावर है, पूरे ताइफ में बस एक बड़ा ये टावर है, इसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना वो 2 फ्लोर 3 फ्लोर्स तक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मदीना में भी ऐसे ही है, मदीना में भी ज़्यादा बड़े बड़े टावर्स नहीं है, ज़्यादातर मक्का में ज़्यादा है। तो ये अभी इनका यौमल वतनी आने वाला, तो इन लोगों ने उसकी प्रिपरेशन के लिए बोट्स पे अपने पूरे पुराने जो मलिक जो होते हैं ना, इनकी शाही हुकूमत होती है ना, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर एक भाई के बाद दूसरा भाई आ जाता है, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं। और अभी मामा फिर साथ साथ उसको बता रही थी कि ये मस्जिद अब्बास है जो कि ताइफ की मेन बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पर नमाज जनाजा वगैरह भी होती है। ताइफ के बाज़ार, रोड्स, बिल्डिंग्स और जितनी भी हमारे सामने से नज़र से गुजर रही थी, हम उसको सारा कुछ शेयर कर रहे थे, और मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी देख सकें। अगर कोई और भी यहाँ पे विजिट करना चाहता तो वो मेरे ऊपर ना बैठा रहे, टैक्सी कराओ और आराम से चले जाया करो, क्योंकि आपको मक्का में हरम के करीब भी जो ना टैक्सी मिल जाती है इजीली, और वो आपको पूरा ऐसे ही विजिट करा देंगे। अभी हम लोग जा रहे थे रुदफ पार्क में, वो वही वाला पार्क था जहाँ पर बिल्कुल दुबई की तरह उन लोगों ने थोड़ा सा सीनरी और पूरा लुक जो था ना दुबई वाला दिया हुआ था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि अब तो वो उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है, या शायद पता नहीं उस दिन शायद बारिश का वेदर था इस वजह से उन लोगों ने शायद बंद किया हुआ था। अभी जैसे ये फाउंटेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के वहाँ पे डांसिंग वाटर्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिक टाइम है, और ब्रिज बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सा क्राइटेरिया है, पार्किंग बिल्कुल फ्री है, फैमिलीज बस अलाउ है, बैचलर्स बिल्कुल नहीं अंदर जा सकते, जो लड़के मतलब यहाँ पे रहते भी हैं वो लोग अलाउ नहीं होते। कुछ पार्क्स ऐसे होते हैं, सामने आपको फिर झूले भी नज़र आ रहे हैं, वो बारिश हो रही थी तो इस वजह से फिर हम लोगों ने शीशे जो थे वो बंद कर दिए हुए थे। और फिर वैसे भी ताइफ का वेदर बड़ा ठंडा सा होता है, तो अभी फिर हम लोग वो रुदफ के बाद फिर अगर वो बंद था तो फिर हम लोग आ गए अनूद पे। अनूद पे भी मैं काफ़ी टाइम बाद आई, काफ़ी देर ही हो गई, क्योंकि नहीं तो ताइफ आते हैं तो अंकल के घर, और अंकल के घर से यहाँ झूलों पे चले गए तो झूलों से सीधा वापसी हो जाती है। पहले हम लोग यहाँ बहुत आया करते थे, अनूद के पास ही अनूद मार्केट है, KFC है, और तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, तो इतना ज़्यादा ना इशू नहीं होता। यहाँ मोहम्मद आज बहुत खुश था क्योंकि फाइनली मोहम्मद के पास बेबी आ गई, और इसको बेबी से बहुत प्यार है, इसका बड़ा दिल कर रहा होता कि मैं बेबी इसको उठाऊं। तो यहाँ पे फाइनली मेरी दोस्त की बेटी जो थी वो इसके पास आ गई, और हम दोनों दोस्तें इंजॉय करते हुए पार्क के अंदर इंटर हुए। कैसा लग रहा है, थर्ड टाइम आई हो ना? यस। कैसा लग रहा है? देख चेंज हो गया, या इधर मैं भी काफी टाइम बाद आई हूँ, मोबाइल शॉप और ये सारी ये तो अभी बनी है ना, पहले नहीं थी। ये वॉशरूम एरिया और खाने पीने के लिए वो मार्केट, अनूद याद है गए थे अंदर, वो याद है वो कौन? हाँ वो भी लिया था, वो भी स्टॉल लगा हुआ है, चीजें वही हैं, बस इंसान नहीं रहे है ना, तब हम लोगों ने जैकेट्स पहने, हाँ हो, और सेम अबाया था हमारा। ये नमाज के लिए प्रेइंग एरिया, फोल्डिंग मैट्स, ये ना यहाँ से बंद करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अच्छा, दुनिया देख बैठी हुई है, मैं बोला ना ये सेम यहाँ की ताइफ की, जद्दा की और रियाज की लाइफ सेम है, मतलब यहाँ पाकिस्तान वाला माहौल है। मक्का मदीना में ये होता है कि हमें जाना होता है हरम, हाजी वगैरह आए होते हैं, इधर नहीं, इधर के तो जो कोई ख़ास मेहमान होगा वही लेके आएगा, ये तो एक दिन जाके सारे मिल मुल आते हैं बस। वेदर भी इतना मज़े का है, अपनी चटाई करना भी एक बार एंजो यार। ये ना
नाना जी आप रेडी हो जाओ। अच्छा अच्छा रेडी हो हारने के लिए। नूत पार्क में इन्होंने ये जंपिंग भी लगा दी है, मार्केट भी है अंदर। अच्छा इन्वेंशन कर दिया, मतलब उन्होंने कहा इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप यहाँ वाले पार्क में काफ़ी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। ना पहले सिर्फ बैठना होता था, खाना पीना होता था, अब तो आप इंजॉय करें राइड्स भी। वो मोहम्मद बैठ गया स्विंग के ऊपर, दोस्त मेरी अपना मोबाइल लेने गई है, बॉलिंग भी। अरे वाह, अब मैं भी बैठ गई हूँ स्विंग के ऊपर और अब झूले का टाइम शुरू। बहुत चलती हुई आ रही है मैडम, ड्यूटी ऑन, खुद मैडम ले रही है झूले। मैंने पकड़ा है बेबी, मैंने अब इसको नीचे बिठा दिया क्योंकि ये वाली जो टाइल्स है ना ये चुपती नहीं है बेबीज को। ओ बुरी बात, नो नो। अब आई है और ले लो सारे झूले ले लो। दोनों पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं और दोनों को ही बहुत ज़्यादा क्रेज है और हमें अब कोई थर्ड पर्सन चाहिए जो हमारी एक साथ पिक्चर भी अच्छी सी क्लिक कर सके। अब कोई देख रहा है कोई लड़की मिल जाए। भाई लोग लेकर आ रहे हैं चाय और साथ में शायद माँ बाप के साथ सारे रिश्ते। भाई कैमरे से कैमरा शाय लोग। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। हम ही पकड़े हैं, हम ही आप पकड़े हैं। नहीं तू तेरी आदि और मेरी अभी मैं मोहम्मद के साथ आई हूँ इसको विजिट कराने क्योंकि हेलो क्योंकि मोहम्मद कह रहा था झूलों पे, तो झूले जो है हम लोग ले लिए। अब मैंने कहा वो जो करीब पे मार्केट है ना उसकी थोड़ा सा अंदर से विजिट करें, अंदर क्या मिलता है और कितना रेट तक चलता है, मतलब रिजनेबल है या एक्सपेंसिव है, सब आइडिया भी हो जाएगा। अब बाई शॉप भी है, मोबाइल एसेसरीज भी हैं, मतलब मेरे टाइप की चीज़ें हैं अंदर, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं बार बार कह रही थी देखा, तो अब मोहम्मद मेरे साथ आया कि चलो आपको दिखा के आता। ये टॉयज़ वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है, मतलब शॉप सी बनी हुई है, और ये अब आएगी। बहना आप अपना देखो। देखती हूँ। आप अपना देखो, मैं अपना देखना। स्टोन और पॉकेट्स भी हैं। आप अपना देखो, मैं अपना। अधिकम ये कितने का? ये हमसे रियल कितने का? इसकी शोल्डर्स पे है काम और नीचे से ये अम्ब्रेला फ्लेयर्स में है। आपके पास वो तो काफ़ी अबाए मैंने ट्राई की है लेकिन मुझे एक अबाया जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था और उसका रेट जो था वो मेरा उसके साथ बन गया। तो मुझे इसका जो सोदिया का जो लोगो है उसमें मुझे ग्रीन कलर का दुपट्टा चाहिए था लेकिन उसके पास उस टाइम ग्रीन कलर का प्लेन दुपट्टा था, मैंने प्लेन दुपट्टा लिया है। वो एसेसरीज वॉचेज ब्रेसलेट्स वगैरह भी हैं, रेट मुनासिब ही है, ना इतने ज़्यादा हाई ना इतने ज़्यादा लो। मामा को लग रहे हैं लेकिन मॉल्स में और पार्क में इतना थोड़ा बहुत तो होता है, ज़ाहिर है इन्होंने स्टॉल जो लगाया उस हिसाब से इनका वो होगा। यहाँ पे ब्रेसलेट्स वगैरह अच्छे लगे हुए हैं, रिंग्स भी है, फ्लावर वाली गोल्ड स्टाइल में रिंग। देखो अम्मी जैसे गोल्ड की ओरिजिनल वाली
हाँ और तो बढ़िया माता है, पेंडेंट्स भी हैं बड़े बड़े से, वॉलेट्स, ज्वेलरी, चेन्स, ब्रेसलेट, इयर रिंग्स, चेने, हर चीज़ है, पोनिए, क्लिप्स, वॉचेस, बैग, सब कुछ है। अब आ रही हूँ मलवतनी तो झंडे भी आ गए, ग्रीन की योमल वतनी के सारे स्टॉल्स, पोनिया, रिबन्स, झंडे पहले ही आ गए, शर्ट्स, कोट्स, कितने पैंतीस, अम्मी वहाँ से ऑन करो, एक मिनट ऑन करो, एक मिनट ऑन, मोबाइल की एक्सेसरीज की शॉप, ये कितने का है? iPhone 14 Pro Max का, 11 का, 11 इसमें 14 का है तो वो दिल वाला बना हुआ, दिल वाला जो रेडीमेड कपड़ों की शॉप भी है, टी शर्ट, ट्राउजर शर्ट, और ये नट्स वगैरह की शॉप, बखूर स्टॉल थोड़े टाइम के लिए ही है, अभी मामा को किसी ने बताया, क्योंकि यहाँ पे जैकेट्स भी हैं अपर टाइप। इतना अच्छा वेदर है दो तीन घंटे बैठने के बाद, और ये सामान समेट के चलते हैं वापस, क्योंकि घर भी जाना है, जाने में भी एक डेढ़ घंटा लग जाना है। बहुत मज़े का वेदर, और देखिए आज वीकेंड भी नहीं है फिर भी दुनिया भर निकली हुई है, यहाँ पे यही बहुत अच्छा लग रहा होता है। देखिए फैमिलीज भी बैठी हैं, स्टॉल्स वगैरह भी खुले हैं, अभी टाइम भी 10 बजे का टाइम है, 10:30 हो रहे हैं। मज़ा आया मदिया भाई, आपको आया? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कैसा लगा ताइफ देखकर? बहुत अच्छा लगा। कैसा टाइम आया हूं? मरी जैसा या नहीं? मरी जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये के मौसम ठंडा है यहाँ का, तो कैसा लगा? मरी जैसा नहीं लग रहा? नहीं मरी का तो नहीं लगा, लेकिन मौसम अच्छा है यहाँ पे, मौसम ठंडा है, वेदर अच्छा है, लेकिन मरी में इन दिनों काफी सर्दी होती है, इन दिनों में क्योंकि वहाँ पे बरसात बारिश होती है, तो मरी में बहुत अच्छा मौसम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत फॉग, बहुत बारिश मरी में रहती है, बहुत सर्दी रहती है। चलो हमारे भाई ने नहीं तो देखा हुआ, मदिया तो थर्ड टाइम आई है माशाल्लाह, थर्ड भी नहीं फोर्थ टाइम माशाल्लाह। चले अल्लाह ताला बार बार आना नसीब फरमाए, फिर वापसी के लिए जब गाड़ी में बैठते हैं तो जो डिक्की में जो थोड़ा बहुत सामान हम लोग रख देते हैं, और फिर बाद में जब गाड़ी में बैठ के दोबारा से याद आता है तो फिर भाई जो होता है वो गुस्सा करता है, तो वो कहता है पहले ही तुम लोग ना पानी शानी जो तुम लोगों की डिक्की में चीज़ें होती हैं अपनी हिसाब से ले के बैठा करो, बार बार फिर नहीं मैं रुक के तुम लोगों को चीज़ें निकाल निकाल के दूँगा। फिर अनूज से जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो बाहर ना हाइपर पांडा और ये सारी मॉल्स, मार्केट्स, क्योंकि ये जो पार्क है ना अनूज, ये शहर के अंदर है। ताइफ में तीन जगह जो 3 पॉइंट्स हैं ना वो ज़्यादा फेमस है, एक हदा, एक उसका शहर, जैसे अभी जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये शहर है, और एक शफा, शफा भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वो इससे थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी शहर के अंदर वाले पार्क में हैं, अनूज से बाहर निकले तो आपके सामने है कि ये पूरा सिटी है, तो यहाँ से बाहर निकलते ही मॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये करीब करीब लगती है बिंदाऊद, हाइपर पांडा और काफ़ी ज़्यादा मॉल्स वगैरह, होटल्स भी, क्योंकि विजिटर्स भी यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर फार्म हाउस हैं लोगों के, वो लोग यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारते हैं, क्योंकि जहाँ पर वेदर अच्छा होता है ना आपका ऑटोमेटिक वहाँ रहने का दिल कर रहा होता है, तो बच्चों को जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो यहाँ पर फुल रश, दिन रात रश होता है, और असर के टाइम दुनिया बाहर निकल आती है और रात फजर तक बैठी रहती है, सुबह के फजर की नमाज के टाइम फिर दुनिया अपने अपने घरों को वापस होती है। इसके बाद फिर ये लास्ट वाली जो मस्जिद होती है, इसके बाद फिर हमारे जो जिगजैग वाला रोड है ना हदा वाला, वो स्टार्ट होता है। ताइफ की मेकात पे, और जेंट्स की साइड है उस साइड पे,
लेडीज की, भाई ने गाड़ी जो है बिल्कुल करीब खड़ी की है ताकि हमें ज़्यादा चलना ना पड़े, अल्लाह भला करे भाई का। और यहाँ पर भी दोस्त ने उमरा भी करना है, हाँ आगे, तो वही राम बांध लेगी और फिर वो अपना मुकम्मल कर लेगी। वैसे ताइफ से भी उमरा जो होता है वो बड़ा ही कहलाता है, ये देखे सारा लिखा हुआ है, लेडीज का वॉशरूम, मेंस प्रेयर, ये वो, पार्किंग, गार्डन, सब कुछ। और ये है ताइफ की मिकात की मस्जिद, लेडीज के वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम एकदम साफ सुथरे। चलो तुम चेंज कर लो, हाँ इधर ही कर ले, तुझे जाना तो आगे चली जाओ। पूरी मस्जिद का अंदर का व्यू, अभी हम मस्जिद के अंदर हैं, ये सारे वॉशरूम और वुजू के खाने बने हुए हैं, ये लेडीज़ का एरिया, वो वहाँ से लेके जेंट्स का एरिया। अंदर सिटिंग एरिया भी देख बनाया हुआ है, और खुली कितनी है, खामोशी ज़्यादा है ना, लोग कम है। विंसल हरीम, हाँ उसके बराबर पीछे है, ये जेंट्स का है, ये लेडीज का बैक साइड पे होगा। मैंने एक बार यहाँ पढ़ी हुई है नमाज, वो भी कोई हाजी आए थे उनको लेके आए थे। ये है शायद, ये गार्डन गार्डन, और ये है लेडीज प्रेयर। हाँ ये रे। चलो यहाँ जूते उतारो। अस्सलाम वालेकुम, ये लेडीज का प्रेइंग एरिया। नमाज पढ़ी थी याद है, पता नहीं कौन आया नहीं, अब औरतों का पीछे कर दी है, लिफ्ट वगैरह या सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, ये जहाँ गाड़ी खड़ी की है ना सीधा औरतों की नमाज का है जगह, हाँ सही थी, सिर्फ वुजू के लिए थोड़ा हमें मसला होता है। तो ये था ज़िगज़ैग रोड, जब रात के टाइम उसका व्यू ऐसा होता है, दिन में सारे पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, रात को लाइटिंग सारी ऑन होती है, और इसके साथ ही मेरा व्लॉग भी होता है। एंड व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने भी ताइफ आना हो तो आप लोग भी हरम के करीब किसी भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ड्राइवर को हायर करके आप लोग भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।